महानगर में जलभराव सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा बैठक नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम के सदन हॉल में संपन्न हुआ। बैठक में अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, जलकल के महाप्रबंधक एस पी श्रीवास्तव और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, परियोजना अधिकारी विकास सिंह सहित नगर निगम के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता जलकल, पथ प्रकाश एवं स्वास्थ्य निर्माण विभाग एवं नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि गत वर्ष में महानगर के जिस स्थानों में जल भराव हुआ था उसको चिन्हीकरण करते हुए सूची तैयार कर अभी से आवश्यक तैयारी कर ले। जो भी पंप खराब है उसे मानसून आने से पहले ठीक कराने, आवश्यक कार्यों के सामानों का टेंडर कर ले। साथ ही साथ जो नए 32 गाँव नगर निगम में शामिल हो रहे हैं उनके जल भराव वाले स्थलों और नालों का भी निरीक्षण करते हुए उसकी भी आवश्यक तैयारी की जाए। नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि प्रवर्तन दल के कर्मचारी नालों का अतिक्रमण हटाते हुए नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा कराएं। नगर आयुक्त द्वारा कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए यह भी निर्देशित किया गया कि महानगर के संक्रमित व्यक्तियों के घरों का कूड़ा वाहन अलग से लगाकर निस्तारण किया जाए। साथ ही साथ अंत्येष्टि स्थल पर जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है उसको भी वैसे ही किया जाए तथा कार्य कराने में कहीं कोई दिक्कत हो तो उसे भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी बताते रहे ताकि समस्या का समाधान त्वरित रूप से कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, आज की जो बैठक हुई है उसमें मुख्य रूप से तीन बिंदु थे। एक तो जो वर्षा ऋतु में, क्योंकि मानसून इस बार जल्दी आने की संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए जो पूरे शहर में हैवी रेन होने जाने के बाद जो जल जमाव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, उससे कैसे उसको हम लोग इस बार रोक सकते हैं कि बारिश तो होगी और अगर हैवी रेन होता है तो पानी थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हो, लेकिन जितना कम से कम समय तक वो रुके, हमारा इस बात का प्रयास रहेगा। और इसी संबंध में हमारे अपर साहब, उप नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता महोदय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सभी जोनल अफसर और टीम के अन्य मेंबर मौजूद थे और सभी को ये कड़े निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल ही वो जो हमारे 11 बड़े नाले हैं, मझोले नाले हैं और जो छोटे नाले हैं, इन सबकी तली झाड़ सफाई जो पिछले एक महीने से चल रही है उसको युद्ध गति से मतलब उसको कंप्लीट करें। और इसके बाद हम लोग अगले हफ्ते से हम लोग उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, मौका मुआयना करेंगे और नाला पूरी तरह से साफ होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे 11 पॉइंट्स हैं बंदे पर, जहाँ के हमारे रेगुलेटर्स लगे हैं, हमारे पंप लगे हुए हैं, तो उनको भी उसकी सर्विसिंग हो जाए, पूरा उसको चेक कर लें, एक बार उसका ट्रायल कर लें, कहीं किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। प्लस जो हम लोग हर वर्ष की बात ही जो कुछ एक्स्ट्रा इसको ध्यान में रखते हुए वर्षा ऋतु को कुछ इलेक्ट्रिकल और कुछ अलग से मैकेनिक हम लगाते हैं, उन लोगों को हम लोग जो है अभी से हायर कर लें, उनका कांटेक्ट कर लें। दूसरी जो मुख्य बिंदु हमारा था कि जो हमारा अंत्येष्टि स्थल है जिसमें कि वहाँ पे जो हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो उन पे सारी व्यवस्थाएं कैसे लगातार एक सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहें। जैसा कि आप जानते हो कि नगर निगम प्रशासन ने एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पूरे जितने भी मतलब हमारे कोविड से डेथ हो रही हैं, जो वहाँ आ रही हैं, उनके दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था निःशुल्क कर दी है। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वहाँ समय से सैनिटाइजेशन कराने के लिए, सफाई की व्यवस्था के लिए, प्लस जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं डेड बॉडी लेकर,
उनको ऊपर तक पहुंचाना, जो हमारे आदमी वहां काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा, पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि की व्यवस्था करना, इन सब के लिए भी हम लोगों ने इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स की जो टीम को हमने वहाँ लगा रखा है, इस पर डिस्कस किया गया कि वहाँ व्यवस्था हर हालत में हर कीमत पर सुव्यवस्थित तरीके से चलनी चाहिए। तीसरा ये था कि जो हमारे कंटेनमेंट जोन जो बन रहे हैं, 18 कंटेनमेंट जोन हैं, आज ही मीटिंग जिस संबंध में हुई थी उसमें चारों तरफ से उसको घेरना है, बैरिकेडिंग करना है। बैरिकेडिंग करने के बाद जो उसका एंट्री पॉइंट पर वहाँ पर एक बैनर लगेगा जिसमें कंटेनमेंट जोन की संख्या, उसकी डेट वो लिखी रहेगी, और वहाँ पर हमको बहुत ही सघन तरीके से सैनिटाइज कराना होगा। वहाँ पर जो मैंने थियोल और चूने का जो घोल है उसका छिड़काव करना होगा, प्लस जो एक सफाई जो है विशेष का विशेष अभियान वहाँ पे चलाना होगा। इस सब को लेकर सबको एक सेंसिटाइज किया गया और कहा गया कि लोग सभी लोग नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी एक टीम भावना का परिचय देते हुए अपने सबके अंदर टीम स्पिरिट पैदा करते हुए इस प्रकार से काम करें कि जो नगर निगम का हमारा नाम है वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से ख़राब ना होने पाए। सर, कुछ जो नाले नाले बन रहे हैं, जो मैसरा में वाटर जाता है, जैसे फोड़ने में मैसरा से नाले बन रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के द्वारा मेडिकल कॉलेज रोड पे कुछ नाले बने जो ऊँचे थे, बहुत दिन से उसका चला गया, जो नाला निर्माण चल रहा है उसके लिए क्या है? नहीं, निश्चित रूप से जहाँ से कुछ जगहों पर अगर ऐसा है कि नाला जो कुछ ऊंचाई भी बन गया है तो उसको देखा जाएगा कैसे उसको उस लेवल पे आ जाए। अगर कुछ गलत बनाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट, तो हमारे पास अभियंताओं की मुख्य अभियंता के नेतृत्व तो इतनी बड़ी टीम है, हम लोग उसको निश्चित रूप से दिखवाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा वाटर लॉगिंग इस बार हम कहीं किसी हालत में होने नहीं देंगे। पानी बरसेगा और पानी बरसे और जितनी तेज़ी से बरसे उतनी ही तेज़ी से वो निकल जाए, यही हमारा उद्देश्य है।